हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते. वेलकम बैक ऑन द पेन डिटेक्टिव सीरीज. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैक पेन एंड आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपको बैक पेन अग्रवेट ना हो. स्पेशली साइटिका पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड बेल बटन पर भी प्रेस कर दें. तो बैक जो हमारी बनी होती है, मेनली किस वजह से पेन हो सकता है? एक तो बैक में बोन में पेन होने लगे, जो हमारी वर्टिब्रा है उनकी कोई रीजन की वजह से पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो या डीजनरेशन हो या वट एवर मे बी द रीजन, या आपकी मसल की वजह से, स्पाज़म की वजह से या कोई भी मैकेनिकल कॉज की वजह से मसल स्पाज़म हुआ तो उसकी वजह से पेन हो सकता है. फेसेट जॉइंट्स जो होते हैं आपस में रगड़ने की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से पेन हो सकता है. या जो हमारी डिस्क होती है, डिस्क अगर पीछे की तरफ सरक जाए, जो उसका मटेरियल है वो डीजनरेशन हो जाए, या फिर उसका जो अंदर मटेरियल है डिस्क का वो बाहर आने लगे और जो नर्व्स हमारी वहां से निकल के शरीर में जा रही हैं, बैकबोन से निकल के पैरों में जा रही है या बैक में नीचे सप्लाई कर रही है पूरे लेग को, उस पर कंप्रेशन होगा तो फिर जो पेन आता है लेग में उसको साइटिका बोलते हैं. तो वो साइटिका पेन होता है, जो कॉमनली लोग टर्म यूज करते हैं, वो पेन आ जाता है. तो इनकी वजह से या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ये बेसिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से बैक पेन आ जाती है. और अब हम देखेंगे कौन से पॉस्चर्स, ये स्पेशली जो साइटिका के पेशेंट्स हैं, तो ये वीडियो में थोड़ा स्टिक करना चाहूंगी उनके लिए कि आपको कौन से पॉस्चर में आपके लिए रिस्की हो सकते हैं जो एग्रेवेट करेंगे पेन, और कौन से बेटर हैं. तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो इसका सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में कि कौन सी पोजीशन अगर आप रखते हैं उसकी वजह से आपके डिस्क में कितना प्रेशर, इंट्रा डिस्कल जो प्रेशर होता है वो कितना है. तो जितना ज्यादा इंट्रा डिस्कल प्रेशर होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको जो डिस्क प्रोट्रूड हो चुकी है उसको बाहर निकलने के चांसेस और ज्यादा होंगे, मतलब नर्व कंप्रेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, मतलब साइटिका बढ़ने के और रिलीव ना मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो ऐसी जो भी कंडीशंस है जिसमें इंट्रा डिस्कल प्रेशर ज्यादा हो जाए उसको हमें अवॉइड करना है, पहली बात यह है. और अपार्ट फ्रॉम द पोजिशंस देयर वेरियस टिप्स ऑल्सो दैट आई वुड लाइक टू गिव इन दिस वीडियो, जिससे आप अपनी हेल्दी स्पाइन रख सकते हैं. तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू. सो दिस पिक्चर शोज द वाइट कलर वंस आर हमारी हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी बना रही है, प्लस जो जिलाटिनस मटेरियल है दैट इज आर डिस्क. येलो कलर का नर्व है. तो नीचे जो दिखा रखा है जो रेड कलर का है वो इमेजिन कीजिए प्रोट्रूडेड डिस्क है, और वो कंप्रेस करेगी नर्व को जिससे साइटिका पेन होगा. लेट्स नाउ सी विद वेरियस पॉस्चर हाउ मच इज योर इंट्रा डिस्कल प्रेशर, सो दैट यू नो विच वन इज डेंजरस फॉर यू एंड विच ऑल पॉस्चर्स यू नीड टू अवॉइड. तो से हेलो टू माय ब्रदर, ही इज आंजने. सो थैंक यू आंजने. हेलो आंजने. ओके. सो अगर आप व्हेन यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, देन बिफोर कमिंग टू स्टैंडिंग फर्स्ट आई टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर लाइंग डाउन. जब आप सो रहे हैं और सीधे सो रहे हैं तब आपका इंट्रा डिस्कल प्रेशर इज अराउंड 25 kg. व्हेन यू चेंज योर साइड ईदर साइड्स देन इट कम्स टू अराउंड 75 kg. ओके. बट वेन यू आर स्टैंडिंग योर इंट्रा डिस्कल प्रेशर मतलब जो डिस्क के अंदर जो प्रेशर है, जितना ज्यादा डिस्क में प्रेशर बढ़ते रहेगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वो प्रोट्रूजन उसका बढ़ेगा और वो नर्व कंप्रेस करेगा और आपके पैर में जो पेन आ रहा है साइटिका की वजह से वो बढ़ जाएगा, राइट? तो अभी अब वेन यू आर स्टैंडिंग द इंट्रा डिस्कल प्रेशर कम्स अराउंड 100, राइट, 100 kg. बट वेन यू सिट द सेम इंट्रा डिस्कल प्रेशर बिकम्स 140. And then when you are standing and you are bending forward, which we always say we don't have to bend forward, it comes to 150. When you are sitting and you are bending forward, then it comes around 185. When you are standing, bending forward and you are lifting weight, it comes to 220. And when you are sitting, bending forward and lifting weight, it comes to 275. So this will be the worst position for you ever. तो आपको ये सारी bending forward, please keep it there. आपको सब bending forward, lifting weight avoid करना है. And worst position होगा जब आप weight उठा रहे हैं, बैठे हैं और सामने की तरफ झुके हैं. और same condition when you are standing. ठीक है. तो प्लीज ये सारी postures avoid करें जिनमें आपका high इंट्रा डिस्कल प्रेशर है. अगर आप सोना चाहते हैं तो preferably सीधे होके सोएं, करवट से बेटर सीधा सोना है, बट करवट भी ले सकते हैं. और कॉन्टिन्यूसली स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूसली सिटिंग इज नॉट एडवाइज फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बैक पेन एंड साइटिका पेन. थैंक यू. बाय बाय.
तो जैसा आपने देखा अभी कि कौन सी पॉस्चर्स आपको अवॉइड करने चाहिए टू इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम साइटिका पेन, इफ यू हैव अ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, एंड तो उन चीजों का बहुत ध्यान रखें क्योंकि पॉस्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द थेरेपी. एंड इवन इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन बट यू आर नॉट फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो एक तो आप पॉस्चर जो मैंने आपको बताया जो रिस्की है, बेंडिंग फॉरवर्ड, एंड उसको कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करें. ठीक है, अगर जिसका छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे में अगर उनको बार बार उठाना पड़ता है तो प्लीज किसी फैमिली मेंबर की हेल्प लें क्योंकि उससे भी पेन एग्रवेट हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्क्वाट नहीं करना है, नीचे नहीं, फ्लोर पे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है, एंड यू हैव टू कीप चेंजिंग योर पॉस्चर सो दैट योर डिस्क रिसीव्स प्रॉपर न्यूट्रिशन. एंड जैसे बैठे थे तो सो जाएं, सो खड़े थे तो चल दें, मतलब इस तरह थोड़ा सा पॉस्चर चेंज कर लीजिए. डोंट स्टैंड कॉन्टिन्यूसली एंड डोंट सिट कॉन्टिन्यूसली एट अ प्लेस. लगातार बैठने से या स्टैंड करने से, जैसे मैंने बताया, प्रेशर ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको पॉस्चर चेंज करना बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो प्रिकॉशंस हैं आप फॉलो करें एंड आप जरूर ठीक होंगे. अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है देन यू कैन टेक माय अपॉइंटमेंट 8368910203 एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट मी इन सिंक ऑर्थोपेडिक एंड पेन क्लिनिक इन सेक्टर 27 गुड़गांव. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव योर रिव्यूज एंड यू कैन गिव योर फीडबैक एंड वट ऑल वीडियोज यू वुड लाइक मी टू मेक द टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट. And thank you for supporting me. Thank you so much.